क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फिर से वेव फॉर्म है आपके पास, ठीक है देख लेते हैं। ए के लिए लिख लेते हैं पहले, ए के लिए 1 0 0 1 1 0 0, बी के लिए देख लेते हैं 1 0 1 0 1 0 1, आउटपुट में आपके पास आ रहा है, आउटपुट आया 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ होगा ध्यान से देखिए आउटपुट के केस में। अब और ये जब लिया आपने तो 1+1 अगर मैं देख रहा हूं तो ये 1 होना चाहिए था, और वो फिर क्या होता आपके पास 0 आया है यहां पर, ये देख रहे हैं। तो 1+1 क्या हो गया आपके पास 0 हो गया, और ये किस केस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के केस में पॉसिबल है। दैट मींस आंसर आपके पास क्या हो जाएगा इस केस के लिए, नैंड गेट, यानी कि ये बोलिए ये जो आपके पास वेव फॉर्म दिया हुआ है इसका जो फाइनल आंसर आप लोग देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, नैंड गेट।